So hello dear students, in this video we are going to solve important question on hire purchase and leasing. Question number 4A TY Bath semester 6 April 2023 का एक question paper हम लोग solve कर रहे हैं, ठीक है? Question read करते हैं हम लोग. AB Limited requires an equipment costing 2 lakh. तो जो equipment चाहिए उसका cost कितना है? 2 lakh rupees. The same will be utilized over the period for 5 years. तो ये चलेगा कितने साल? Equipment 5 साल underline किया है. इट हैज टू ऑप्शन, तो दो ऑप्शन है जो मैंने बोला था, एक होगा हायर परचेज, दूसरा होगा लीजिंग, ठीक है? चलो, द सैलवेज वैल्यू, सैलवेज वैल्यू मतलब भंगार वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट एट द एंड ऑफ 5 ईयर इज 0. 5 साल बाद उसका वैल्यू 0 हो जाएगा. ओके, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ वैल्यू रहेगा नहीं, ठीक है? द कंपनी यूजेस स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन. तो अभी देखो, उसका वैल्यू कुछ बचेगा नहीं ना, तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे? 2 लाख है वैल्यू, डिवाइड बाय 5 कर देगा, ठीक है? सो 2 लाख डिवाइड बाय 5 किया, हर साल का डिप्रिसिएशन कितना आएगा? 40,000 फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर, हर साल का 40,000, बिकॉज वी आर फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन मेथड. ओके, एज्यूम टैक्स रेट, कितना टैक्स रेट है? 40%. तो ऑप्शन 1 दिया आपको, टू बाय द बोरोड फंड्स, बाय विद बोरोड फंड्स एट द कॉस्ट ऑफ 18% पर एनम. तो हायर परचेस के बारे में बात की है, 18% पर एनम इंटरेस्ट पे करोगे हायर परचेस के ऊपर, रीपेएबल इन 5 इंस्टॉलमेंट, एक इंस्टॉलमेंट है 64,000 का. ओके, लिखेंगे, टेबल बनाएंगे, पता चलेगा. ऑप्शन 2 क्या बोला है देखो, टू टेक इक्विपमेंट ऑन लीज, लीज पे ले सकते हो, रेंट पे, रेंट कितना पे करोगे? 32,000 पर ईयर, ठीक है? डिस्काउंटिंग फैक्टर बोला है 18%, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके दिया, नहीं दिया तो कैसे करना है? वेरी इजी, ये 18 बोला है ना, 18, तो क्या करने का देखो, यहां पे लिख रहा हूं ताकि समझे, 1 डिवाइड बाय, बहुत से वीडियो में मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, 1 डिवाइड बाय 1 पॉइंट, ये कांस्टेंट रहेगा, यहां पे जो मैंने बॉक्स किया 18 बोला है, 1 डिवाइड बाय 1.18, अगर 15 बोला होता 1 डिवाइड बाय 1.15, 12 बोला होता 1 डिवाइड बाय 1.12, ठीक है? ये ध्यान में रखना, अभी 1.18 करोगे तो 1 डिवाइड बाय 1.18 कितना आता है? 0.847, वो लिखा है यहां पे, ऑलरेडी दिया है तो कुछ आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. फिर से इक्वल टू दबाया, देखो 718, फिर से इक्वल टू दबाया, थर्ड ईयर का 6 है तो 9 आएगा, उसका 516, उसके बाद का 437 लेफ्ट साइड में देख लेना, उसके बाद 437 है, और ये एन्युइटी है टोटल, मतलब इन सब का टोटल यहां पे लिखा है, दैट्स इट. और ये ऑलरेडी दिया है तो ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? नहीं दिया होता तो मैंने बता दिया आपको क्या करना है, ठीक है? एडवाइज द कंपनी विच ऑप्शन शुड गो फॉर इफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज 18%. तो आपको कंपनी को बोलना है कि ये ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, दोनों में से कौन सा एक्सेप्ट करे. तो पहले ऑप्शन 1 बताते हैं, बाद में ऑप्शन 2 देखते हैं, ठीक है? चलो लेट्स बिगिन. सो दिस इज योर ऑप्शन नंबर 1, लिखा है मैंने यहां पे, कैलकुलेट किया है, ठीक है? ऑप्शन 1 परचेस ऑप्शन, इंटरेस्ट कैलकुलेशन या फिर इसको बोलते हैं लोन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल. कैसे बनाया देखो, ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5, क्योंकि 5 इंस्टॉलमेंट बोला है, नंबरिंग किया ऊपर का वो इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल एट बिगिनिंग, लोन इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल पेड एंड प्रिंसिपल एट द एंड. ओके, ये समझ में आया होगा आपको, हेडिंग इंपॉर्टेंट है. इसको मैंने बोला नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. इंटरेस्ट कैसे मिलता है देखो, नंबर 1 में जो होगा अमाउंट उसको मल्टीप्लाइड बाय 18%, क्योंकि क्वेश्चन में बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 18%. 4 नंबर का पॉइंट, प्रिंसिपल पेड कैसे मिलेगा, 2 माइनस 3. सो लोन इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस किया, बचा हुआ क्या रहेगा? प्रिंसिपल. लास्ट प्रिंसिपल एट दी एंड, 1 माइनस 4. बिगिनिंग वाला उसमें से पेड माइनस किया तो मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस. ओके, दैट इज प्रिंसिपल एट दी एंड. आई होप आपको ये नंबरिंग समझ में आया होगा. ध्यान से देखना, ऐसा सेम क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में आपको, तो ये कैसे क्या नंबरिंग किया वो समझ ले, ठीक है? देखो फर्स्ट ईयर का देखो, ओपनिंग बैलेंस कितना था? 2 लाख, जो क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग में बताया, ठीक है? उसके बाद लोन इंस्टॉलमेंट देखो, हर साल का 64 बोला है, तो 5 इसमें मैंने 64 लिख लिया, ठीक है? इंटरेस्ट तो 2 लाख का 18% पहला कितना आएगा? 36,000. प्रिंसिपल पेड क्या करोगे? 64 में से 36 माइनस किया, इसमें से ये माइनस किया, 2 माइनस 3, 28,000. प्रिंसिपल एट द एंड, 1 माइनस 4,
वन कितना था 2 लाख, उसमें से पे कितना किया 28, बचा कितना 1,72,000। उसके बाद ये क्लोजिंग, अगले साल का ओपनिंग, इधर का क्लोजिंग, इधर का ओपनिंग, फिर से इंस्टॉलमेंट है 64, इंटरेस्ट अभी 1,72,000 का 18% निकाला, इसका 18%, 30,960। उसके बाद प्रिंसिपल पेड कितना है, यहाँ पे कैसे मिलेगा 64 में से ये माइनस करो, 33,040। लास्ट एट द एंड नंबर वन माइनस नंबर फोर, 1,38,960। कैलकुलेट करके भी देखना प्लीज मेरे साथ ही, ये क्लोजिंग, यहाँ का ओपनिंग, 64,000 का इंस्टॉलमेंट, इसका 18%, 25,013 प्रिंसिपल पेड, इसमें से ये माइनस करोगे ये मिलेगा, एट द एंड इसमें से ये माइनस करोगे 1-4 ये मिल जाएगा। अगले साल का ये क्लोजिंग, यहाँ का ओपनिंग 64,000 सेम, इसका 18% 17,995, इसमें से माइनस किया 2-3, पेड कितना है 46,005, बिगिनिंग में से पेड माइनस किया, क्लोजिंग आएगा 53,968। लास्ट ईयर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, लास्ट ईयर अपने तरीके से मत करो, मैं बोल रहा हूँ वैसे करो, क्या करने का, ये 53,968, नहीं तो यहाँ पे बैलेंस आता है, यहाँ पे क्या आना चाहिए हमेशा नील, 53,968 इधर लिखा, वही इधर लिख देने का, ठीक है, ये सिंपल है, क्लोजिंग का ओपनिंग में आ गया। उसके बाद यहाँ पे जीरो आना चाहिए, तो क्या करोगे देखो, 1-4 क्या आना चाहिए, जीरो, तो ये जो वन है लास्ट ईयर के लिए करना है, ये वन है, उसमें से फोर वाला माइनस करने का आपको, तो वन का जो अमाउंट है वही फोर में लिख दिया मैंने, क्या किया, ये जीरो आना चाहिए, तो वन का अमाउंट मैंने कहां पे लिखा, फोर में, ओके, उल्टा कैलकुलेशन, 64,000 तो सेम है, अभी ये कैसे निकालोगे, लास्ट ईयर का खाली बोल रहा हूं, ठीक है, सो दिस विल बी बैलेंसिंग फिगर, क्या करोगे, 2-4 खाली लास्ट वाले में, नहीं तो इधर बैलेंस आता है, ठीक है, देखो सिक्स, पहले क्या किया, ये यहां पे कॉपी किया क्योंकि जीरो आना चाहिए, 64,000 में से ये माइनस किया तो कितना आएगा, 10,932, दैट्स इट, इतना खाली समझना है आपको, इसमें लास्ट ईयर में ये प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, वीडियो पॉज करके फिर से देख लेना तो समझेगा मैंने क्या बोला है, ठीक है। चलो तो ये मुझे डिटेल्स मिल गया, अभी इसके बेसिस पे मुझे और एक टेबल बनाना है आगे का, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, देखो कैलकुलेशन ऑफ पीवी, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश आउटफ्लो, कॉलम्स देखो, ईयर, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, उसके बाद नेट कैश आउटफ्लो, पीवी फैक्टर एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी मुझे पता है 64,000 है, पांचों साल का मैंने लिख दिया, इंटरेस्ट मुझे पता है ऊपर से देख के मैंने लिख दिया, ठीक है, ये वाला कॉलम कॉपी कर लिया सेम टू सेम। डेप्रिसिएशन 40,000 स्टार्टिंग में मैंने बताया था, अगर याद होगा तो 2 लाख डिवाइड बाय क्या करने का 5, 40,000 आया। अभी टैक्स कैसे मिलेगा देखो, समझो थोड़ा, इंटरेस्ट लिखा है मैंने देखो 2+3 इंटू 40%, 40% क्यों, क्योंकि टैक्स बोला है 40%, देखो क्वेश्चन में टैक्स रेट इज 40%, तो मैंने क्या किया देखो, दोनों को ऐड किया, जैसे यहां पे एक करके दिखाता हूं, पहला देखो 36,000 प्लस 40,000 76, उसका 40% कितना आता है 30,400, ओके, वैसे ही मैंने आगे फॉलो किया 2+3 इंटू 40%, तो ये निकाला, उसके बाद ये दोनों को ऐड करके उसका 40%, दोनों को ऐड करके उसका 40%, इन दोनों को ऐड करके उसका 40%, इन दोनों को ऐड करके उसका 40%, लास्ट में नेट कैश आउटफ्लो। अभी ये कैसे मिलता है, शॉर्टकट बता देता हूं, ठीक है, वेरी इजी, ज्यादा दिमाग लगाओ मत यहां पे, जैसे बोला वैसे फॉलो करो, आंसर्स आते जाएंगे, 1-4 करने का, ठीक है, देखो ऊपर लिखा हुआ भी है ऑलरेडी, पांच नंबर कैसे मिलेगा, 1-4, तो 164,000-4 करने का, इसमें से ये माइनस करो 33,600, इसमें से ये माइनस करो 35,616, माइनस किया 1-4 हर जगह पे, ठीक है। पीवी फैक्टर कहां से आया, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है देखो, पीवी फैक्टर यहां पे वही कॉपी कर देने का, 5 साल का, ठीक है, लास्ट वाला नहीं, ये 5, तो यहां पे मैंने लिख दिया, ठीक है, 5 साल का, लास्ट वाला तो इजी है,
इन दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, चाहिए तो मैं नंबरिंग भी कर देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। सो दिस इज योर नंबर 6 और नंबर 7 कैसे मिलता है, 5 × 6। ठीक है, सो दोनों को क्या करते जाओगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किया आपको आंसर्स मिलते जाएंगे। ठीक है, प्रॉपर मल्टीप्लाई करना लेकिन प्लीज। उसके बाद इन सबको ऐड किया तो टोटल आएगा 1,17,446। ओके, दिस इज कॉल्ड एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश आउटफ्लो। ठीक है, सो ये आपका नेट कैश आउटफ्लो है फ्रॉम हायर परचेस, 1,17,446। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट हायर परचेस का। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं सेकेंड पार्ट लीजिंग का। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है, देखो ऑप्शन 2 लीजिंग ऑप्शन, कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश आउटफ्लो कैसे करना है, फॉर्मूला लिखा है मैंने। देखो एनुअल रेंट, क्योंकि सेम है ना, इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, एनुअल रेंट इंटू एन्युइटी फैक्टर एट 18% इंटू आफ्टर टैक्स, क्योंकि टैक्स माइनस करना है। ठीक है, सो एनुअल रेंट इज 32,000, एन्युइटी फैक्टर है 3.127, टोटल किया सबका इंटू आफ्टर टैक्स 60% कैसे आया, 100 था ओरिजिनल, टैक्स माइनस किया 40, तो बचा हुआ कितना रहेगा, 60%। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया। मल्टीप्लाई किया 60,038, तो आपको दोनों कैश फ्लो मिल गए, कैश आउटफ्लो ये हायर परचेस का और ये लीजिंग का, दोनों को कंपेयर करना है। सो कंक्लूजन, नेट कैश आउटफ्लो इन लीजिंग ऑप्शन इज लेस, देयरफॉर इट इज एडवाइजेबल टू गो फॉर लीजिंग ऑप्शन, क्योंकि आउटफ्लो कम होना चाहिए। इसका आउटफ्लो कितना है, 1,17,446, इसका है 60,030, तो कॉमन सेंस है, दोनों में से जिसका नेट कैश फ्लो लेस है वो ऑप्शन एक्सेप्ट करोगे। ओके, सो वी आर गोइंग टू फॉलो लीजिंग ऑप्शन। आई होप आपको ये सॉल्यूशन पता चला होगा, समझ में आया होगा। वीडियो पॉज करके देखना, फिर से रिपीट मोड पे देखो। लीजिंग का देखो टेंशन नहीं है, प्रॉब्लम हायर परचेस में आएगा टेबल बनाते हो, स्पेशली ये जो लास्ट ईयर का है कैलकुलेशन, ये थोड़ा फिर से रिपीट मोड पे जाके देख लेना। ठीक है, ये भी आपको समझ में आया ऐसे मैंने बताया, ज्यादा टेंशन मत लेना। ठीक है, जितना मैंने बताया उतना ही फॉलो करो, आराम से आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, 15 में से 15 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, एंड कीप फॉलोइंग, कीप सपोर्टिंग बागवेसर्स नैनदीप कॉमर्स क्लासेस, और ये वीडियोज अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करो। थैंक यू सो मच।